बजे फ्लैट की मीटिंग, आज अपना फ्लैट फाइनल कर देंगे। जवाब दवांगे, टॉपिक पे जबरदस्त गल करेंगे। आपको काफी अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, शिवरात्रि पे इतने बहुत रश होता है यार। पहले तो मुझे लेके नहीं देते, ठीक है, गुस्सा कर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गुड इवनिंग, और अभी टाइम हुआ है 6 बजने वाले हैं और हमारी आज है 6 बजे फ्लैट की मीटिंग। सो आज हम अपना फ्लैट फाइनल करने जा रहे हैं। बाय गॉड ग्रेस, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम आज अपना फ्लैट फाइनल कर देंगे और 10 दिन में फिर शिफ्टिंग भी कर देंगे, अगर आज फाइनल हो गया तो। सो मैं अभी जो शाल लेके आई हूँ, अभी अपना चार ले रहे हैं, हमको भी हेड वॉश वगैरह करना था। सो बस अभी 10-20 मिनट में हम लोग निकलेंगे क्योंकि हमारी ओनर के साथ मीटिंग है 6 बजे की। और हाँ जी, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखें, हम पे कृपा बनाए रखें। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी नियाज भाई, क्या लगता है चलेगा? चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नियाज भाई हैं। किसी को कोई भी एसी का काम कराना हो, फ्रिज का काम कराना हो, एक बार करेंगे और दोबारा 6-7 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन योर मशीन, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी ने भी एसी या फ्रिज का काम कराना हो, आप इसके लिए भी करते हो ना, अर्बन कंपनी के भी हो ना पार्टनर? हाँ, ये कम से कम कितने टाइम से अपने काम कर रहे हैं? कितने आपके साथ करीब हो गया? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। हाँ, वो जब एसी लिया था मैंने तब से, और वो एसी में कोई दिक्कत नहीं आती, जितना मर्जी एसी में कोई और ले लूं। ये देखो, ये एसी कम से कम 6-7-8 साल पुराना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसका रिपेयर यही करते हैं। तो अभी मेरे बाहर वाले एसी में 2-3 बार मैंने करवाया तो हर बार दिक्कत आ जाता था क्योंकि ये थे नहीं यहाँ पे, ही वॉज इन हिज विलेज। तो फिर अभी ये वाला इसी से करा और कड़क चल रहा है जबरदस्त। तो फिर फ्रिज का भी थोड़ा सा कूलिंग का प्रॉब्लम था, वो भी अभी हम इनसे करवा रहे हैं। तो इनका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, किसी ने भी बॉम्बे में अगर एसी वीसी में एसी या फ्रिज या किसी चीज का काम करवाना हो तो आराम से इनको कॉल करो और काम हो जाएगा। गाइस, अभी का कोई पार्सल आया है, अब मुझसे ज्यादा अभी के पार्सल आने चालू हो चुके हैं और ऐ भाई यार मेरे को ब्लेम किया जाता है कि मैं सबसे ज्यादा पार्सल मंगा। तेरे भी कम आएगा, यूज़लेस है। ओ माय गॉड, मेरे कम दवाइयां तो नहीं मंगाई। व्हाट इज दिस शैम्पू? ये कौन सा है? ये मामर्थ। मामर्थ कौन सी रेंज है? दिस इज फॉर डेंड्रफ की, थोड़ी सी डेंड्रफ होगी सी। मेरे को इचीनेस है, वो भी जाएगा? हां हां हां, ब्रांडर्स के जीनस दोनों का इलाज है, बढ़िया चीज़ है। ये चेयर वो नहीं हिंदी, कोई केमिकल वगैरह नहीं है। मामा अर्थ का एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद लेमन एंड जिंजर फॉर इची एंड फ्लेकी स्कैल्प। ठीक है, आप मेरे जरा बाल देखो, बहुत अच्छा बाउंस आया अभी हम यूज करके, मैंने इसको ड्राई किया है, बहुत अच्छा शैम्पू है। इसके अंदर है लेमन और जिंजर। अभी जो लेमन होता है एक तो एंटी बैक्टीरियल होता है और आपके जो इची स्कैल्प फ्लेक्स आ जाए, डैंड्रफ की जो पपड़ी जम जाती है उसको उतार देता है, तो लेमन इज वेरी गुड। और वैसे भी जब भी सर्दियां आती हैं हमेशा हमारे सर में डैंड्रफ हो जाती है तो दादी माँ का नुस्खा होता है कि आप लेमन निचोड़ो और जिंजर को उसमें डालो और उसको सर में लगा लो। तो इन्होंने वही चीज़ निकाली है। जिंजर जो होता है वो बिकॉज ऑफ दी डैंड्रफ, आपके स्कैल्प में जो इचीनेस होता है, जो खारिश होती है या थोड़ा सा इचिंग होती है उसको क्लीन कर देता है। सो इट्स वेरी हेल्दी, सुपर गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्कैल्प। आपके बालों को बहुत स्मूथ बना देता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर देता है। वो काफी अच्छा शैम्पू है बाय मामाअर्थ। तो ये है इनका कंडीशनर, लेमन और जिंजर वाला, सेम मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, गुड फॉर ऑल हेयर है, फॉर इची एंड फ्लेकी स्कैल्प। तो ये भी वही काम करेगा, ये आपके हेयर को और स्मूथ कर देगा।
आपके बालों में जो फ्लेक्स हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से, एक्चुअली एक फंगस होती है जो आपके बालों में आ जाती है और उसकी सिक्रीशन से डैंड्रफ जो है वो बनता है। तो जब हम लेमन और जिंजर ये सब चीज़ें हमारे सर पे लगाते हैं तो डैंड्रफ एलिमिनेट हो जाता है। तो मामा अर्थ ने आपको वही दादी जी का नुस्खा एक शैम्पू में एक कंडीशनर में आपको दे दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली सेफ हैं, इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम दे। अगर आपको चेक करना है तो आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं मामा अर्थ ऐप पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे, नायका पे और मामा अर्थ वेबसाइट पे। तो जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो इनकी वेबसाइट से, तो ये आपका जो ऑर्डर है वो एक ऐसे ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो ये आपके नाम पे प्लांट करते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर एनवायरमेंट, आपके नाम पे एक ट्री प्लांट हो जाता है। The exact geolocations and the pictures of the tree जो ये आपके नाम पे लगाएंगे will be sent to you via email. एक plastic positive और Indian brand. So Mama Earth ने अपना app launch कर दिया है, तो जितने भी user हैं उनको early access पे extra discount मिले। जैसे आपको पता है Mama Earth के जो products हैं वो सारे online apps पे available हैं, चाहे वो Amazon हो चाहे वो Flipkart हो, पर ये आपके आसपास के स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको मामा अर्थ का स्टोर कहीं आसपास दिखता है तो नीचे कमेंट करो। हमारा कूपन कोड है वो मैंने नीचे मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, उसको यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हो। सो हमने जो लास्ट व्लॉग बनाया रिगार्डिंग स्ट्रेस, उसमें एक कमेंट आया है, दिस इज नॉट गुड मैसेज एट ऑल। ओह माय गॉड, स्ट्रेस एनिमल्स नू कर किद्दा रख सकता है, ए तुसी बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। अगर तुसी किसी लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दूसरों नू गलत मैसेज ना दो। जो स्ट्रेस लाइक करते हैं वो बहुत सही करते हैं, बट इट्स रॉन्ग बोथ ऑफ यू। चीजा किसी दी जान तो वध के नहीं होती है। ओए ओए क्या बात है, ठीक है। थोनू जवाब दवांगे बिल्कुल। एक मीटिंग कराने जा रहे हैं जी, वापस आके इस टॉपिक ते आपां जबरदस्त गल करांगे। थोड़े को गड्डी केड़ी है मैं दसो। थोड़े को गड्डी केड़ी है, आपां थोड़ी गड्डी ते स्क्रैचों स्क्रूचा मारेंगे ते फिर थोड़े को पुछांगे जब तुसी हर चार दिन बाद पेंट करवाउंदे फिरोंगे, गड्डियां दी सीटां बाइक दी सीटां चेंज करवाउंदे फिरोंगे, उदों थोनू पुछांगे की स्वाद आ रहा है। दो साल, 2 years, तीन चार सीट कवर गड्डी से, दो बार तीन बार स्क्रैच। सो वी विल टॉक। सो जी जो मीटिंग थी वो 6:15 हो गई ना, सो बस अब हम निकल ही रहे हैं। सो गाइज, आप में से काफी कमेंट्स आए रिगार्डिंग माय हेयर कट, जो मेरा नया लुक है कि आपको काफी अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आवाज बहुत आ रही है तो पता नहीं आपको मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, मैं वेट कर रही हूँ अभी की और वो आ गया और अभी बस निकल रहे हैं। सो गाइज, फ्लैट देख के आ गए हैं, अभी फाइनल एक दो दिन में होगा और अब हम आए हैं शिव मंदिर मत्था टेक लिया और अब मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने। क्यों, काहे का टैक्स? पहले तो मुझे लेके नहीं देते, ठीक है, गुस्सा करते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं सबसे पहले। मोदी टैक्स। और ये पता क्या है, ड्राई फ्रूट सारे खा जाएंगे, अंजीर और फिर बर्फ सी मेरे लिए छोड़ देंगे, बल्कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सो मेरी आइसक्रीम,
जो मैं वॉक करते करते हमेशा खाती हूँ। इसके बिना मेरी वॉक अधूरी है।